सर आ जाएं। आइए 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 सर। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया। एलेक्स पॉल मेनन जी और नक्सलवाद जो कलेक्टर को उठा ले जा रहे हैं, तो मन में डर तो हुआ होगा आपको? सर बस्तर में खूबसूरती तो है मगर माओवाद भी है। आप वहाँ पे काम किए, माओवाद आपके हिसाब से है क्या? चार दशक बीत चुका है मगर माओवाद ख़त्म नहीं हुआ है, तो माओवाद ख़त्म कैसे होगा? 15 जनवरी 2021 को आप पोलिंग गए हुए थे, पोलिंग में आपने रात बिताया क्या? सर थोड़ा कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल इंटरव्यू हो, बहुत सारी गंभीर बातें हो गई। आपको गाने का भी बहुत शौक है, वो गा के बताएंगे हमको थोड़ा? अभी तो गाना थोड़ा संभव नहीं होगा, लेकिन मैं जितना इंटरव्यू लिया हूँ अभी तक, मैं सामने वाले को फ्रैंक कर लेता हूँ, आप फ्रैंक नहीं हो पा रहे उतने। आजाद वो हमेशा मेरे साथ वो। सर आपने कहा मुझे हलवी आती है थोड़ी मोटी, आप कोशिश करें हलवी बात कर लेंगे मुझे? हलवी तो छोड़ ही दी अब तो। मिर्ज़ापुर सीरीज देखी थी आपने? मिर्ज़ापुर देख नहीं पाया, हालांकि उसमें मेरे एक स्कूल के दोस्त थे जिन्होंने रोल प्ले किया। मम्मी अक्सर कहते रहते हैं क्या पत्रकारिता करो, कलेक्टर वलेक्टर बनो, कुछ करो। मैं आपकी माता जी सबको भी प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप फॉलो करें। चप्पल टी शर्ट और लोअर का क्या राज है? लोग कहते थे कि ये कलेक्टर है और चप्पल पहन के निकल जाता है, तो मूंछ का क्या था आपको? आपको सीरियस लेता नहीं था, फिर आपने मूंछें रख ली? जी जी। रोचक कोई किस्सा ट्रेनिंग के वक्त का? ट्रेनिंग के वक्त तो हम लोगों ने काफ़ी मस्ती होती है ट्रेनिंग में। देखिए हमारे भारत में जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है, कॉल करता है, और वो दूसरा दोस्त उस कॉल और मैसेज को इग्नोर कर रहा होता है, तो अगर वो दोस्त उस दोस्त को अचानक से कहीं दिख गया तो कहता है कि भैया बहुत बड़े कलेक्टर हो गए हो क्या? तो उस कलेक्टर शब्द से उसका तात्पर्य होता है जलवा, उस कलेक्टर शब्द से उसका तात्पर्य होता है भौकाल, उस कलेक्टर शब्द से उसका तात्पर्य होता है दबदबा। खैर इस वक्त हम बड़ौदा बाज़ार में हैं, बड़ौदा बाज़ार को आप बहुत सारे कारणों से जान सकते हैं, मगर जिस कारण से हम भिलाई से चलकर बड़ौदा बाज़ार पहुँच गए हैं वो कारण है यहाँ के कलेक्टर रजत बंसल। बहुत ही शालीन, बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य तबीयत के व्यक्ति हैं। तो आज हम उनके बंगले में आए हैं, उनसे बात करेंगे और उनका जो कहानी आपके सामने लाएंगे बिल्कुल हमारे अंदाज में। आइए चलिए। सर आ जाएं। आइए 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 सर। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया। क्या चल रहा है सर? बस आपसे मिलने आए हुए थे सर। ये बेर है, ये हमारे जो बॉस है अपने हाथों से बनाते हैं। अच्छा। और उनकी गाड़ी का जो डिक्की है वो डोरेमोन के जेब है। अच्छा। अब हाथ डालेंगे तो वहाँ खाने का सामान ही निकलता है। अच्छा। हमने उनसे बताया कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा बेर लेकर के जाओ। अच्छा। अभी हाल ही में हम आईजी साहब से मिलने गए थे, दुर्ग संभाग के आईजी साहब, उन्होंने बेल पकड़ा दिया, बेल का जूस। अच्छा। क्योंकि जहाँ जाते हैं मतलब कुछ ना कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, कहना है। अच्छा। फिर कहाँ बैठ के बात करें? आइए बाहर बैठते हैं, बैठते हैं। अपने बॉस को हमारी तरफ से धन्यवाद जरूर। तो आपका हमारे चैनल केपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। इससे पहले मैंने जिस आईएएस का इंटरव्यू किया था, इत्तेफाक से वो भी पहले आईपीएस थे, बाद में वो आईएएस बने, और आप भी पहले आईपीएस थे फिर आईएएस बने। मैंने उनसे भी यही सवाल किया था कि आप आईपीएस थे फिर आईएएस क्यों? कई कारण थे उसके पीछे। एक तो जो कैडर मुझे मिला था वहाँ थोड़ी भाषा को लेकर के इशू होने की संभावना थी, मेरा एक नई वेस्ट बंगाल कैडर था, और साथ में उस समय ये सोच थी कि भाई आईएएस में आपके पास थोड़ा एक जनरल पर्सपेक्टिव रहता है, कई सारे विभाग रहते हैं, एक अगर हम एज अ करियर देखें तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, और जिस उद्देश्य से सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर सकें, तो एज एन आईएएस अलग अलग विभागों के माध्यम से आज शिक्षा में बैठे हैं, कल आज कलेक्ट्री कर रहे हैं, कल को शिक्षा विभाग में है, परसों किसी और विभाग में, तो अलग अलग तरह से उसमें कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही जॉब मैं मानता हूँ कि बहुत ही सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक आईपीएस अधिकारी का भी जॉब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बट उस समय लगा और होगी, किस्मत की बात ये तो थी कि सिलेक्शन हो गया, चाहने से तो क्या होता है, लेकिन हो गया सिलेक्शन तो फिर आ गया आईएएस। सर 23 साल की उम्र में आप सर्विस में हैं, वो मूछ का क्या था आपको? आपको सीरियस लेता नहीं था, फिर आपने मूछें रख ली, उसके बाद लोग गंभीरता से लेने लगे आपको? एक छोटा सा किस्सा बस यही था कि क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो बहुत कम उम्र थी, तो उस समय लगता था कि भाई पता नहीं लोग कितना सीरियसली लेंगे, तो उस समय प्रोबेशन में यूनिफॉर्म के साथ साथ फिर मूछ रखी थी, थोड़ा सा एसएचओ हो या जो भी हो तो थोड़ा सीरियसली लेंगे, नया लड़का आ गया ऐसा ना लें, तो बाद में समझ में आया कि उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो आपका पद है तो गंभीरता अपने आप आ जाती है। हमारे साथ भी एक कहानी हुई थी, हम बस्तर रहने वाले हम भी हैं, तो लॉकडाउन चल रहा था, तो हम आमतौर पर दाढ़ी रखते हैं, तो हमने दाढ़ी हटा दी, लॉकडाउन चल रहा है कौन देखने वाला है, हम गाड़ी लेकर बाहर निकले सामान लेने के लिए, तो एक लड़का हमको कट मार कर निकला और बड़ा ही घूर कर देख रहा था, तो हमको लगा दाढ़ी हटा ली है तो बच्चा भी जो है घूर कर देख रहा है हमको। तो
तो उसके बाद फिर आप सर बस्तर कैडर पहुँचे जी 2012 बैच के आप आई एस हैं। 2012 बैच के आई एस एक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एलेक्स पॉल मेनन जी, जी। उस वक्त उनका अपहरण कर लिया गया नक्सलवाद की तरफ, वो लोग कर लिए थे उनका, तो आपके मन में डर तो नहीं हुआ कि मैं बस्तर कैडर छत्तीसगढ़ कैडर मुझे मिला है और नक्सलवाद जो कलेक्टर को उठा ले जा रहे हैं, तो मन में डर तो हुआ होगा आपको? एलेक्स सर की जो घटना हुई थी 2006 बैच के अधिकारी हैं, उनकी जो घटना थी वो उस समय की थी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे जी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा था उनकी इस घटना के बारे में, पूरी नक्सल की क्या मॉडस ऑपरेंडी है वो सब चीज़ों को लेकर के, और डर के बजाय एक चुनौती के रूप में लिया कि भाई अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह से इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं तो कैसे हम इंस्टीट्यूशन की छवि सुधार पाएं। और एलेक्स सर का भी जितना मैं समझता हूँ कि उसी तरह का अप्रोच था, नहीं तो वो भी चाहते तो इतनी वार्निंग्स थी कि वो उस जगह पे नहीं जाते और लोगों से मिलने के लिए एक जन समस्या निवारण शिविर टाइप का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसी अप्रोच में काम कर रहे हैं लगातार अधिकारी, उनसे पहले भी, उनके द्वारा भी, उनके बाद भी, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है, लोगों का जो जुड़ाव है वो नक्सलियों की तरफ ना होकर के अधिकारियों की तरफ, प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ आ रहा है, और यही परिवर्तन है। आपने जब आईएएस का इंटरव्यू दिया तो आईएएस के इंटरव्यू के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ चलती हैं कि अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर एक इंटरव्यू पूछता है उनसे कि अगर मैं आपकी बहन को लेकर भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे, या फिर आप आज जब आ रहे थे तो आपने सीढ़ियाँ गिनी कितनी सीढ़ियाँ थी, ऐसे सवाल पूछते हैं वहाँ पर? मेरे ख्याल से जो रोडीज़ का इम्पैक्ट है बहुत है आजकल के युवाओं के ऊपर, कि कई सारे ऐसे चैनल आ गए हैं, कई सारे ऐसे टेलीविज़न सीरीज़ हैं, अभी भी कोई शायद शार्क टैंक ऐसा कोई सीरीज़ है शायद, तो मैं तो बहुत कम ही देखता हूँ। तो बट आईएएस के जो इंटरव्यू होता है बहुत अलग तरह का होता है, यूपीएससी का इंटरव्यू विशेषज्ञों द्वारा लिया जाता है, अगर वो आपसे सीढ़ी गिनने का भी सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से उनके पीछे कोई एक कुछ होगा, उनकी सोच होगी, और हो सकता है वो ये जानना चाहें कि आपसे उम्मीद ना करें कि आपने सीढ़ियाँ गिनी होंगी, क्योंकि हो सकता है वो उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये देखना चाहें कि आप सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं उस समय पे, या फिर आप सच झूठ बोल भी रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, हो सकता है कुछ और उनके दिमाग में हो, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी कर रहा है इंटरव्यू की तो उसे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिवियल सवाल नहीं पूछते, जैसे अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, अलग अलग तरह के इंटरव्यूज पे देखते हैं कि किसी को भी इंटरव्यू में बेवकूफ़ दिखाना बहुत आसान है, लेकिन यूपीएससी के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी सोच ऐसी नहीं होती कि हम किसी को बेवकूफ़ दिखाएं, उनकी सोच ये होती है कि कैसे हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकालें कि हम देख सकें कि उसके अंदर क्या है, तो उस सोच से वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। और अधिकतर इंटरव्यू जनरली सभी का एक्सपीरियंस, जितना हम लोगों के सर्विस में जितने लोग आए सबका इसी तरह का है कि बेवकूफ़ी भरे सवाल या ऐसे कोई सवाल जिसका कोई, हो सकता है हमें समझ ना आए लेकिन उसकी एक समझ होती है और मीनिंगफुल होती हैं चीज़ें, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे, क्योंकि आपका हो सकता है ये वीडियो कई लोग देखें जो तैयारी करते हो, हम लोग जब तैयारी करते थे तो अक्सर इंटरव्यू की तैयारी करना बहुत ज़्यादा रोमांचक लगता है, पढ़े शुरू किए नहीं हो प्रीलिम्स का तैयारी या मेंस की तैयारी और ये इंटरव्यू मुझसे ये पूछ लिया तो क्या होगा, उस सोच में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास उतना मसाला अगर आपने मेंस क्लियर किया निश्चित रूप से है, आपके दिमाग में उतनी चीज़ें हैं, आप उतनी समझ रखते हैं कि आपने मेंस क्लियर किया है, उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे तो वो बस पर्सनैलिटी की बात है, वो बहुत ज़्यादा आपको नया ज्ञान नहीं चाहिए, और इंटरव्यू का अप्रोच अगर शुरू से रखेंगे तो मैं समझता हूँ वो एक शुरू से ही आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू ऐसी चीज़ है ना, सामने सामने वाली चीज़ है तो रोमांचक होती है, तो सीधे हम उसकी बात करें प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, मेंस कैसे करना है, उस पर ना जाएं तो दिक्कत हो सकती है। सर चप्पल टी शर्ट और लोअर का क्या राज है? लोग कहते थे कि ये कलेक्टर है और चप्पल पहन के निकल जाता है, तो क्या कपड़े और चप्पल मायने रखते हैं? जगह, परिस्थिति और लोगों पर डिपेंड करता है। अब हम बलौदा बाजार में बैठे हैं, बकायदे जूते पहन के बैठे हैं, ऑफिस जाते थे तो शुरू से हमेशा ही जूते पहने, लेकिन हाँ जब बस्तर में कई बार जब नाइट स्टे किया है, गांव में रहे हैं, गांव में भ्रमण किए हैं, खास तौर पे बस्तर में देखा है कि जो बस्तर के जंगल हैं वहाँ पर जब ट्रैकिंग करते हैं तो स्पोर्ट्स शूज़ से ज़्यादा चप्पल ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। आपके सीनियर से शायद आपने कहा था कि आपसे कहा था कि आप चप्पल मत पहना करिए, आप कलेक्टर हैं, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हमेशा इस बात का स्वयं भी ध्यान रखा है कि प्रोटोकॉल का कहीं उल्लंघन ना हो किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ पर कोई भी ऐसा फुटवेयर पहन या ऐसे वस्त्र पहन करके जो कि किसी को अपमानित महसूस कराएं, वैसा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर का रोल आप अदा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही रहना चाहिए। बस्तर में निश्चित रूप से कई ऐसे मौके आते थे जिसकी वजह से चप्पल वाले कलेक्टर का नाम पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पर गाँव में जो भ्रमण था इस तरह का था, जो गाँव इतने अंदरूनी थे कि एक दिन में आप नहीं जा सकते, तो कई बार नाइट स्टे करके अगले दिन जाना पड़ता था, तो उस वजह से कई बार जंगल में घूमते हुए विशेष रूप से चप्पल या सैंडल पहनते थे, तो उससे पड़ा। आप रायपुर आए और रायपुर में जो मोर रायपुर कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया? आपने कॉन्सेप्ट दिया था मोर रायपुर का? मोर रायपुर जो कॉन्सेप्ट था वो भारत सरकार की स्मार्ट सिटी की जो योजना है
उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि किसी भी शहर में यदि काम होता है तो एक ब्रांडिंग के तहत होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका सोचा था उसके लेकर के कि MORE रायपुर, मोर रायपुर, अंग्रेजी वाला मोर। फिर हम लोगों ने उस समय ये विचार था कि क्यों ना छत्तीसगढ़ी का जो शहर है उसका कैपिटल है तो छत्तीसगढ़ी भाव को लाया जाए, क्योंकि शहर के लिए, शहर वालों के लिए बहुत आसान हो जाता है ये भूलना कि वो कहाँ पर हैं, वो अपने आप को बस वो पिक्चरों की दुनिया और उसी में रहते हैं, तो अपनी संस्कृति, अपनी मौलिक रूप से जो विचारधारा है उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए मोर रायपुर का वहाँ से आया था, और एक आमचो बस्तर कॉन्सेप्ट भी शायद आपने दिया। आमचो बस्तर भी उसी एंगल से आया था, क्योंकि वहाँ पर हल्बी गोंडी ज़्यादा बोली जाती है। आप तो हल्बी आती है? थोड़ी बहुत कोशिश की थी, बट बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाए, बट हाँ इतनी थी कि उस समय थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। हाँ, तो बोलने भी थोड़ा दो चार शब्द से काम चल जाता है जिस पद पर हम लोग हैं उसमें। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आमचो बस्तर का हो चाहे मोर रायपुर का हो, वो यही था कि लोगों का जुड़ाव अपनी जगह से बढ़े, और एक बार जब विशेष रूप से एक शहरी सेंटर का जुड़ाव बढ़ता है लोगों का, तो निश्चित रूप से वो शहर को और स्वच्छ रखने का, शहर को और बेहतर कैसे कर सकें, उसमें एक लगाव बढ़ता है और उसमें प्रयास साथ में होते हैं। 15 जनवरी 2021 को आप और SP साहब दीपक झा जी आप कोलिंग गए हुए थे। कोलिंग में आपने रात बिताया, वहाँ ग्रामीणों के साथ खाना खाया, क्रिकेट खेला, तो क्या था वो कॉन्सेप्ट पूरा कि आप वहाँ गए हुए ग्रामीणों के साथ रहे? आप काफ़ी अच्छी रिसर्च करके आए हैं। तो कोलिंग एक, जैसा कि आप जानते हैं कि बस्तर में काफ़ी अंदरूनी एरिया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। हाँ, और एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 2021 की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दो बार हम लोग गए थे। एक बार हम लोग गए थे जब रोड बनने से पहले, ताल मिटला गए थे। हाँ, एक बार रोड बनने से पहले गए थे और जगह देखने के लिए, क्योंकि वहाँ रोड बन रही थी और थोड़ा सा उस समय ज़रूरी था कि हमारे जो टीम्स हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका मनोबल हम बढ़ाएं कि जो वहाँ तक उतने अंदरूनी क्षेत्र तक रोड ले जा रहे हैं। उसके बाद एक बार रोड बनने के बाद भी हम लोग रुके थे वहाँ जाके। उस समय हम लोग जब रुके थे तो कोलिंग के आगे वाली जो पंचायत हैं, चाहे चंदा मेहता है, मुंडागढ़, वहाँ पर सब घूम के आए थे, क्योंकि अब बात यह आ गई थी कि कोलिंग को हम विकसित कर सकते। एक बार कोई विलेज का या किसी पंचायत का जुड़ाव हो जाता है रोड से, नेटवर्क से, फिर वहाँ से वो अपने आप ग्रो करते शुरू कर जाता है, तो अब आगे कैसे हम लोग लेके जाएं। फिर हमने चांदामेटा तक की रोड सैंक्शन की थी, उसको बनाने का काम किया था। तो जब भी कहीं नाइट स्टे किया है, इस पर्पज़ से किया है कि कैसे वहाँ के विकास के कामों को हम आगे ले पाएँ और किस तरह से आगे की प्लानिंग कर पाएँ। वैसे जो गांव के लोग होते हैं वो कलेक्टर से, SP से उतने कलेक्ट नहीं हो पाते, मगर जब आप गए फिर आप लोगों के साथ रहने लगे। शायद आप तुलसी डोंगरी भी गए हुए थे जी, तुलसी डोंगरी ग्रामीणों के साथ बैठे या वहाँ माइक पर कुछ बोल रहे थे, तो बहुत लोग कनेक्ट किए आपसे, तो ये जो है एटीट्यूड कैसे आया? ये शुरू से ही हमको ट्रेनिंग से ही बताते हैं कि भाई जिनके लिए जो अप्रोच होती है विकास करने की, टॉप डाउन ना हो करके बॉटम अप अप्रोच हो, खास तौर पे अगर बस्तर जैसे क्षेत्र में काम खम कर रहे हैं जहाँ पर विकास क्या है, इसको, इस सवाल को लेकर के इतना विरोधाभास है कि उसमें लोगों ने बंदूक उठा रखी है, तो ज़रूरी है कि जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसे कोलिंग गए, कोलिंग के लोगों से समझे क्या चाहिए, वो चीज़ें सैंक्शन हुई, फिर जब उसके बाद चांदामेटा गए, वहाँ लोगों से बात की, तो उनको क्या चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं कि लोगों को, लोगों की जो सोच होती है, उनकी जो मांगे होती है, बहुत अलग होती है हमारी जो सोच होती है उससे। तो लोगों की सोच को लेकर के अगर हम चलेंगे तो मैं मानता हूँ बेहतर विकास हो पाएगा, और उस विकास का वो भी महत्व समझेंगे और उसको फिर वो संजो के रखेंगे। तो इसीलिए जैसे कोलिंग, चांदामेटा में बाकी चीज़ें तो की ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स पे, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत थी और उनको दिया भी गया। कई और अधोसंरचनाएं होती हैं जो हम लोग पहले फोकस करते हैं, लेकिन हो सकता है ग्रामीण अंचल में उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं तो महसूस करते हैं, तो उसको लेकर के अच्छा रहता है कि लोगों से सुने हम। सर, बस्तर में खूबसूरती तो है ही है जी, मगर माओवाद भी है जी। आप वहाँ पे काम किए, माओवाद आपके हिसाब से है क्या? बड़ा जटिल प्रश्न है ये, लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि क्योंकि हम लोग जिला प्रशासन के रूप में काम करते हैं, हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं, तो जो भी व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए किसी भी तरह से शासन से कोई मांग रखता है, कई बार खफा भी होते हैं लोग। यहाँ भी अभी जैसे बलौदा बाज़ार में हम बैठे हैं तो अक्सर कई लोगों की शिकायतें होती हैं, जो पूरा सिस्टम होता है सरकारी उसको लेकर के, तो जो भी हमारे पास आता है सरकार का दायित्व है उसको सुलझाना, और सरकार करती भी है, प्रशासन करता भी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बंदूक उठा ले हमारी सरकार या सत्ता पक्ष के लोगों के मारने के लिए, उसको मैं मानता हूँ कि वो जनरली जो माओवादी बोलते हैं उसको लेते हैं, और फिर वहाँ पर इंगेजमेंट ख़त्म हो जाता है, एक जो सिविल इंगेजमेंट की बात है वो ख़त्म हो जाता है। तो यदि लोग हथियार छोड़ करके आते हैं सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन कुछ कर सकता है। सर, 4 दशक बीत चुका है मगर माओवाद ख़त्म नहीं हुआ है, तो माओवाद ख़त्म कैसे होगा? मेरी समझ से ऐसे ही हम लोग विकास करते रहें, लोगों से समझ के उनकी ज़रूरतें देखते हुए,
तो धीरे धीरे माओवाद खत्म होगा। और निश्चित रूप से चार दशक से माओवाद तो है, लेकिन जितना मेरा अनुभव है निजी रूप से, हो सकता है किसी को गलत लगे कि कम तो हो रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे आपने कोलिंग का ही उदाहरण लिया, पहले कोलिंग तो बहुत दूर की बात है, कोलिंग से भी 20 किलोमीटर अंदर तक दरभा तक ही जो उसका ब्लॉक मुख्यालय है वहां पर नहीं जा सकते थे आप। आज आप कोलिंग में बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोलिंग के भी अंदर चांदामेटा में और मुंदागढ़ में अभी कॉफी का प्लांटेशन हो रहा है, वहां की बस्तर कॉफी निकल करके अब दिल्ली तक जा रही है। राहुल गांधी जी आए हुए थे तो उसका टेस्ट किया उन्होंने, राहुल गांधी जी ने भी उसको टेस्ट किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पेट प्रोजेक्ट है, वो लगातार उसको फोकस करते हैं कि कैसे हम अंदरूनी एरिया के लोगों की आय बढ़ाएं, उनको रोजगार से जोड़ें। एक बार कोई व्यक्ति चांदामेटा एरिया का यदि कोई कॉफी उगाने लगेगा, वहाँ पर पर्यटक कुछ आएंगे उसका कॉफी प्लांटेशन देखने के लिए, फिर आपको भी लगता हो कि आपको लगता है कि वापस वो नक्सलवाद की तरफ जाएगा, सिंपथाइजर बनेगा। धीरे धीरे विकास हो रहा है और गति है और तेजी से हो रहा है और तेजी से होगा, धीरे धीरे ऐसे ही चलेगा। सर बस्तर में पर्यटक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग फॉरेन से भी लोग आते हैं, और आपने होम स्टे का कॉन्सेप्ट चालू किया था कि बाहर से अगर कोई आता है तो ग्रामीणों के साथ रह सकता है, उन्हीं के रहन सहन देख सकता है और साथ में खाना पीना चलेगा, तो ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके मन में? होम स्टे का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से आया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक चर्चा उपरांत उन्होंने इनकरेज किया था कि इस प्रकार का टूरिज्म किया जाए जो कि लोग सस्टेन कर पाए उसको। कई बार हम जिस प्रकार का टूरिज्म देखते हैं कि कोई एक जगह नेचुरल ब्यूटी है, एक छोटा सा वाटरफॉल है और वहाँ इतने पर्यटक एक साथ आ जाते हैं कि फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो वैसा ना हो, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म हो, ऐसा टूरिज्म हो जिसमें कल्चरल सेंसिटिविटी को हम ध्यान रखें, क्योंकि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक यूनिक कल्चर है, अलग अलग आदिवासी समूह हैं, उनका अलग अलग खान पान है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इतने पर्यटक ना आ जाएँ एक साथ कि फिर वो सब चीज़ें वो कल्चर ही रिप्लेस हो जाए, तो वो सब देखते हुए एक डिसेंट्रलाइज टूरिज्म मॉडल का हमने शुरुआत किया था। और उसमें होमस्टे रखे थे जानबूझ के कि गांव वाले ही निर्धारित करें कि कहां पर पर्यटक आकर रुके, क्योंकि वहां कोई हम सरकार बड़ा होटल बनाए वो ठीक नहीं है, वो फिर गांव की पृष्ठभूमि को बदलता रहेगा, तो कैसे हम गांव वालों का ही किसी घर को हम उनको ट्रेनिंग दे पाएं कि भाई आपको अगर किसी को मेहमान के रूप में रखना है तो आप रख सकते हैं, उसमें आप ये चार्ज ले सकते हैं। वो एक हैंड होल्डिंग मॉडल था और काफ़ी सफल हुआ, अभी भी चल रहा है काफ़ी जगहों पर, चित्रकूट वगैरह कई एरियाज़ में बहुत अच्छे से उसका संचालन हो रहा है। सर बस्तर में हम ड्यूटी किए तो ऐसे कोई रोचक किस्सा हुआ हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो जो आप बता पाएं आप हमें, तो कुछ ऐसा किस्सा हुआ बस्तर में आपके साथ? मैं मानता हूँ खासतौर पे जितने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इसको कि हमारी नौकरी ऐसी है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ रोचक होता ही है और लोगों के साथ जुड़ करके काम करना होता है और हर तरह के लोगों से हम मिलते हैं और निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति अपना एक फ्लेवर छोड़ के जाता है और मज़ा आता है, तो कुछ ना कुछ रोचक रोज ही होता है। तो एक किस्सा तो ऐसे अभी कोई याद नहीं आ रहा है बट मज़ा बहुत आता है, बस्तर में भी बहुत आया, अभी बड़ौदा बाजार में भी बहुत आ रहा है। जब लवासना में से जब ट्रेनिंग का कोई किस्सा हो, रोचक कोई किस्सा ट्रेनिंग के वक्त का? ट्रेनिंग के वक्त तो हम लोगों ने काफ़ी मस्ती होती है ट्रेनिंग में, लवासना में भी और नेशनल पुलिस अकेडमी में भी काफ़ी टफ होती है ट्रेनिंग काफ़ी, लेकिन साथ में जो एक कमराडरी डेवलप होती है दोस्तों के साथ और जिस प्रकार का वो टाइट शेड्यूल होता है उसमें सब चीज़ें करके निकलने का, एक तो तैयार करता है कि आप मतलब एक दिन में इतना कुछ हो जाता है जो साल लगता है, एक आम आदमी को लगेगा कि हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो आदत हो जाती है, तो किससे बहुत है लेकिन कभी आराम से सोच के सुनाएंगे। लॉकडाउन के वक्त, उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था, आपका एक ऑडियो आता था हर वक्त कि आपका कलेक्टर रजत बंसल, ये उसके बाद लोग बहुत कनेक्ट किए आपसे। मुझे भी उस समय ये सिविल सर्विसेज या फिर कलेक्टर के बारे में मालूम नहीं था, हालांकि मैं पत्रकारिता का पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैंने भी पढ़ाई चालू की यूपीएससी की, फिर आपका मैंने ऑडियो सुना, फिर आपके बारे में रिसर्च किया, तो उस समय से था कि नहीं अब पत्रकारिता ही करना है, फिर मम्मी कहती है कि यूपीएससी करो पत्रकारिता मत करो, तो आपके हिसाब से क्या यूपीएससी ठीक है या फिर? मैं मानता हूँ कि हर किसी मम्मी भी देखेंगी हमारी, तो हर किसी का अपना मकसद है और निश्चित रूप से कई बार भारतीय समाज में सरकारी नौकरियों को वैसे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और जब सरकारी नौकरी की बात करें मम्मी तो ऐसा कहते रहते हैं क्या पत्रकारिता करो, कलेक्टर वलेक्टर बनो कुछ करो, तो सरकारी नौकरी में आईएएस से बेहतर नौकरी शायद ही कोई हो, तो इसलिए कई बार बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर किसी को अपना एप्टीट्यूड देखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उनको क्या एम है। जैसे शुरू में मैं सोचता था जब इंजीनियरिंग करता था कि विदेश जाने का मन था, लंबी गाड़ियों में, मतलब एक वो बचपन का एक सपना था कि भाई खूब सारा पैसा हो उस टाइप का था, फिर जब विदेश जा पाया बहुत कम उम्र में चला गया, वहाँ गया तो वहाँ पर समझ में आया कि ये नहीं चाहिए था, कि अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी कंपनी में चला गया था, वो सब था हो गया, तो फिर लगा कि नहीं ये नहीं था, कुछ करते हैं, तो
देश के लिए कुछ करते हैं, उस तरह उस भाव में रहते हैं। और ये तो इतना आइडिया था कि हाँ लाइफ तो कंफर्टेबल यहाँ भी हो सकती है, लेकिन वो पैसे का वो मोह चला गया था और इसी तरह से कंफर्ट का भी उतना मोह नहीं था। तो फिर आईएएस का उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी की। टफ लाइफ है अगर, क्योंकि लोगों को कलेक्ट्री में जनरली ऐसा दिखता है कि भाई जलवा है, भौकाल है, हाँ वही सब दिखता है, लेकिन लाइफ टफ है। आपकी पर्सनल लाइफ चैलेंजिंग रहती है, प्रोफेशनल लाइफ चैलेंजिंग रहती है, कई सारे प्रेशर से आप डील करते हैं। पर यदि अगर आपके अंदर कुछ करने का, इम्पैक्ट क्रिएट करने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में मैं कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ, अगर ऐसा भाव है तो निश्चित रूप से फिर आपके लिए कुछ टफ नहीं रहेगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ चाहिए, बैलेंस लाइफ चाहिए, जिसमें थोड़ा आसान जिंदगी हो, तो मैं समझता हूँ अपने आप को बहुत ढकेल करके यूपीएससी की तरफ जाने का भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पर आने के बाद भी आप परेशान होंगे, उससे बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस यहाँ भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अभी ऐसा ज़माना है कि आप इम्पैक्ट क्रिएट भी करना चाहें तो आपके लिए कोई भी फील्ड कम नहीं है। आप पत्रकारिता के माध्यम से इम्पैक्ट करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, आपकी सोच कई लोगों को प्रभावित करती है एज अ पत्रकार। तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है। तो मैं आपकी माता जी सब को भी प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप फॉलो करें और उस इंटरेस्ट में बेहतर से बेहतर करें, उसके इंटरेस्ट में अपना 100% दें, यही मोटिवेट आपको करें। आपको गाने का भी बहुत शौक है। जब आपकी ट्रांसफर हो गई थी, आप बड़ौदा बाजार रहते, तब आपने एक गाना गाया था, वो बहुत वायरल हुआ था ट्विटर में भी और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था। तो कौन सा गाना था वो, गा के बताएंगे हमको थोड़ा? अभी तो गाना थोड़ा संभव नहीं होगा, लेकिन मैं गाने के बारे में ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि बस्तर में हम लोग महसूस करते हैं, कई लोग अधिकारी लोग जब हम पोस्टेड रहते हैं, कि क्योंकि एक ऐसा एरिया है बस्तर की बहुत अलग हो जाता है बाकी जगहों से, तो अक्सर ही आपस में ही जो अधिकारी लोग होते हैं वही लोग एक दूसरे के परिवार हो जाते हैं, जो छोटा तो वही कम्युनिटी टाइप की बन जाती है। उसी में हम लोगों ने कुछ कुछ नई चीज़ें सीखने शुरू की थी, क्योंकि रात को भी बहुत कुछ करने को नहीं था, एक बार शाम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आप फोर्स नहीं कर सकते। शहरी क्षेत्र में तो कई बार रात को भी दौरे पर निकल सकते, बस्तर में उतना हर जगह संभव नहीं होता है। तो कुछ कुछ प्रयास किए थे, वहीं थोड़ा बहुत गाना बजाने का शौक शुरू किया था। तो एक गाना ऐसे ही लिखा था, अबरुकजा नाम से एक गाना मैंने लिखा था उस समय, क्योंकि पहले भी मैं कुछ कुछ लिखता था, तो अपने माता पिता को लेकर के लिखा था कि जीना सबके लिए, कि कैसे माता पिता ने प्रेरित बताएंगे गा के। अभी गाना तो बाद में आपको मैं रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन एक गाने का मूल अंत वो जो मतलब था वो बताता हूँ कि माँ बाप को लेकर के, कि कैसे आप लोगों के माध्यम से कैसे मेरे माता पिता ने प्रेरित किया कि दूसरों के लिए जियो, खुद के लिए बटोरने के जीवन जीने के बजाय दूसरों के लिए जियो, और कैसे उनका खुद का जीवन इस तरह का एक परिचय मुझे दिया कि कैसे दूसरों के लिए जीना है, कि दूसरों के लिए कर गुजर। तो वो गाना जरूर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। सर अब गाने रहे, पर सर मैं जितना इंटरव्यू लिया हूँ अभी तक, मैं सामने वाले को फ्रैंक कर लेता हूँ, आप फ्रैंक नहीं हो पा रहे उतने। नहीं, फ्रैंक तो मैं बहुत हूँ, लेकिन गाने के साथ जस्टिस होना चाहिए, तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा। सर आप गाएंगे तो भी जस्टिस होगी। तो अपने अब एक और चीज़ ये भी है कि मैं अपने गानों के बोल बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। सर अब लिरिक्स रखे होंगे आप? मैं देखता हूँ, अगर लिरिक्स मिल जाते हैं तो सर थोड़ा कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल इंटरव्यू हो, बहुत सारी गंभीर बातें हो गई, देखते हैं अगर लिरिक्स मिल जाएंगे तो भी गाते हैं। हालांकि मैं भी देखता हूँ, हमारे पास भी शायद, हम रिसर्च कर रहे थे हम तब, हमारे पास था वो, देखिए थोड़ा सा गाता हूँ जी। आजाद वो हमेशा मेरे साथ, वो डरे ना वो कभी भी झुके ना वो, ये माँ बाप के लिए गाना चल रहा है, ये आपने लिखा है? हाँ। उनकी छाँव में मेरे हर पड़ाव पे सीखा है जीना सबके लिए, सबके लिए, ये बेसिकली ये सेंस है। आप लिखते भी हैं? हाँ, मैं गाना वाना तो बहुत बाद में ऐसे ही, अभी भी बहुत अच्छा कुछ गा नहीं पाता हूँ, लेकिन मेन लिखने का शौक है, और लिखते लिखते फिर एक संगीतकार मिल गए तो उनके साथ लगा कि अच्छा गाने भी बन सकते हैं। कौन संगीतकार थे वो? ऐसे ही साथ में ही, अच्छा, एक और कलेक्टर थे तो उनको संगीत में शौक था, तो इस तरह से शुरू हुआ। तो ऐसा ही कुछ कुछ लिखते रहते हैं, कुछ कुछ भावनाओं को व्यक्त करते रहते। अगर रजत बंसल कलेक्टर नहीं होते जी तो क्या होते? बहुत कठिन सवाल है, लेकिन इसकी मैं तैयारी कर लिया था एक्चुअली। मैं जब पहला अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि मेरे को ये पता था कि बहुत ज़्यादा समय मैं यूपीएससी की तैयारी में नहीं बिताऊंगा, कई लोग 4 साल 5 साल का एजेंडा लेके चलते हैं, मैं 3 साल का एजेंडा लेके चला था। तो पहले अटेम्प्ट में ही तैयारी कर लिया था मैं कि अगर नहीं होगा, दूसरे अटेम्प्ट तक नहीं होगा, तो मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का उस समय मेरा मन था कि कोई ऐसा वेंचर खोलें, कि आजकल एक कॉन्सेप्ट आया नया ह्यूमैनिटी प्लस,
कि आपका बिजनेस ऐसा हो कि उससे लोगों की ज़िंदगी में अच्छा इम्पैक्ट पड़े। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप टोबैको बना रहे हैं, तंबाकू बना रहे हैं, तंबाकू का बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप कितना भी उसको सोच लें, कैसे भी जस्टिफाई कर लें, बट उसका है तो इम्पैक्ट नेगेटिव। तो कॉन्शियसनेस में लोगों की जीवन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वैसे ही क्या हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम ऐसी चीज़ों के बिजनेस क्रिएट कर, जैसे हम मान लीजिए होम स्टे का ही अभी आपने बात किया, तो क्या हम ऐसा टूरिज्म मॉडल बना सकते हैं जिससे हम लोकल कम्युनिटी के कल्चर को प्रिजर्व करते हुए उनके हाथ में पैसा दिलवा दें, उनको एम्पावर करें, एट द सेम टाइम क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं तो हमारा भी कॉस्ट निकले, प्रॉफिट भी बने, जिसको हम इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करें। तो क्या हम, अब जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, तो हम जनरली देखते हैं कि बड़े बड़े होटल आ जाते हैं आसपास को, एक मतलब एक आइलैंड बन जाता है, उस आसपास को सब छोड़ दिया जाता है। तो क्या ऐसा कुछ बना सकें, ऐसी कोई कंसल्टेंसी फर्म खोल सकें, तो उस प्रकार का कुछ बिजनेस करने का है, सोशल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर करने का मेरा मन था, तो हो सकता है वो कर रहा होता। सर जाहिर है कि आप कलेक्टर तो बहुत बिजी रहते होंगे, मगर आप फ्री, जब फ्री रहते हैं आप क्या करते हैं? यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ट्विटर चलाते हैं? ट्विटर पर से आप एक्टिव नहीं है शायद? नहीं, मैं किसी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, और मेरा ये मानना है कि समय बहुत कीमती है मेरा, तो मैं जनरली बहुत आसानी से नहीं देखता हूँ। तो मैं पढ़ाई करता हूँ या तो लिखता पढ़ता हूँ, बुक, हाँ बुक्स पढ़ता हूँ। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं अभी आप? अभी तो इत्तेफाक से अगर कल ही मैंने एक बुक शुरू किया, आलोक पुतुल जी ने एक लिखी है, अबूझमाड़ी नक्सलवाद, तो वही कल ही शुरू किया। हमारे पास रखा, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो वो शुरू कर रहा हूँ, और बाकी अभी एक गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरीज आई थी, उसकी एक जो ओरिजिनल बुक्स हैं आर आर मार्टिन जी ने जो लिखी है, उसको पढ़ रहा हूँ अभी मैं। तो आप सीरीज देखते नहीं, अब पढ़ते हैं? वो सीरीज देखी थी मैंने, कम सीरीज देखता हूँ, बट जो बहुत अच्छी सीरीज होती है उनको फिर अब मैं देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने लिखा था उसको, कैसे सोचा था। मिर्जापुर सीरीज देखी थी आपने? मिर्जापुर देख नहीं पाया, हालांकि उसमें मेरे एक स्कूल के दोस्त थे जिन्होंने रोल प्ले किया है, फैजल जो है। अच्छा, तो वो मेरे स्कूल के ही थे, लखनऊ के ही, तो बट देखनी है मिर्जापुर। और मूवी कौन सी पसंद है आपको, कैसी मूवी देखते हैं आप? मूवी कम देखता हूँ बहुत, अभी लेकिन हाल में कंतारा एक देखी थी, लोगों ने रेकमेंड की थी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि और उससे बस्तर, क्योंकि आपके कई सवाल बस्तर से रिलेटेड थे, तो उसकी याद भी आई बस्तर की। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बस्तर से हुई है, विद्या ज्योति स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा, और उसके बाद हम भिलाई आ गए, भिलाई से पत्रकारिता की पढ़ाई चालू हुई। अच्छा, अभी हाल ही में थर्ड ईयर कम्प्लीट हुई, तो पत्रकारिता कर रहे हैं सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। आपका एक सपना है, आपने एक इंटरव्यू में कहा था, आप भाषण में कहा था आपने, अपने जब कह रहे थे मेरा एक सपना है कि मैं विदेश में घूमूं और वहाँ पे बस्तर का टैटू मुझे मिले। वो सपना तो है कि जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो सॉफ्ट पावर में भारत को और ख़ास तौर पे बस्तर जैसे क्षेत्र को या छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र को सामने लाना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले ही कुछ सालों में आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, जो छत्तीसगढ़ी रहन सहन है, हम लोग भी सब बोरेवासी खाए थे, अभी बीच में एक अभियान चला था, तो एज एन ऑफिसर मैं भी लखनऊ से आया हूँ, यूपी से आया हूँ, तो जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ उसकी एक पहचान हो, तब तो मैं उसको अडॉप्ट करूँगा। जैसे आप अपन बात कर रहे थे कि IPS में वेस्ट बंगाल कैडर मिला, तो वेस्ट बंगाल की एक सॉफ्ट पावर है, शायद उतनी सॉफ्ट पावर छत्तीसगढ़ की नहीं थी, अब धीरे धीरे और बढ़ रही है, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी लोग जो खुद हैं वो एहसास कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे कुछ सिंबल हैं, ये हमारे कुछ खान पान है, ये हमारा कुछ भाषा है, भले डायलेक्ट हो लेकिन उसके एक होना चाहिए। तो वैसे ही बस्तर मैं मानता हूँ एक अपने आप में पोटेंशियल रखता है अपना कल्चरल बनाने के लिए। जो बादल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में हमने मनाया था उस समय, उसमें टैटू के कोर्सेज चले थे जिसमें बस्तर के जो टैटूज़ हैं वो बहुत यूनिक होते हैं उनके। आप देखेंगे बस्तर की हर आदिवासी जो कम्युनिटी है वो टैटू बनाई होती हैं, वो भी टैटू जो हर कम्युनिटी में हर सिंबल का मतलब अलग, बैगा वाले जो होते हैं वो अलग सोचते हैं, अलग जगह पे बनाने का अलग इम्पैक्ट है। तो वो चीज़ें अगर अभी हम क्या बनाते हैं आजकल हम जनरली टैटू अगर देखें किसी भी दुकान पे आप जाएं तो या तो जैसे मैंने अभी एक सीरीज़ की बात की वैसी और कई सीरीज़ ले लीजिए, नारुतो ले लीजिए, हज़ार तरह की ले लीजिए, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, अपना एक कल्चरल जो बेस है वो मिसिंग लगता है मुझे बस्तर का। लेकिन हर कम्युनिटी अपना बेस रखे हुई है, उसको संजो के रखी है हज़ारों सालों से, तो क्यों ना हम उनको आगे बढ़ाएं। और जब मान लीजिए इतनी सॉफ्ट पावर डेवलप करें कि US जैसी, जो मैं उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए कल को US घूम रहे हैं और वहाँ पर बस्तर के ट्राइबल टैटू के डिज़ाइन आएँ, तो क्यों नहीं लोग बनाएंगे, क्योंकि उनके साथ एक मतलब जुड़ा है। अक्सर हम चीज़ें ऐसी बना देते हैं जिनके साथ कोई मतलब नहीं है, तो निश्चित रूप से बस्तर में वो ताकत है, और जिस तरह से अभी प्रयास चल रहा है सरकार का, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगी बातें।
सर आपने कहा मुझे हलवी आती है थोड़ी मोटी, तो आप कोशिश करें हलवी बात कर लेंगे मुझे? नहीं, हलवी तो छोड़ दीजिए अब तो। क्या है हमारे नौकरी के साथ एक ये भी होता है कि जहाँ के हो जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, वहीं हो जाते हैं। तो अभी हम छत्तीसगढ़ी की थोड़ी कोशिश कर रहे थे बोलने की, मुझे हलवी ठीक ठाक आती है। अच्छा, तो आप बोल के दिखाइए। मैं बोलूँगा आप जवाब दीजिएगा। तो क्या हलवी गोटे जान सी? हाँ जानते, लेकिन अब छत्तीसगढ़ी आ रही है। देखिए छत्तीसगढ़ी आ रही है क्योंकि यहाँ बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ी चलती है, तो अब यहाँ के रंग में ढल गए हैं। वहाँ रहे तो आप सुनते रहे होंगे भाषा। निश्चित रूप से, निश्चित हम भी मतलब रहने वाले हम यूपी से जी, पढ़ाई लिखाई बस्तर से, तो ढल गए वहाँ पे। सब्जी लेने जा रहे हैं तो आले की तरह चुवाए ना, तो वहाँ पे ये होता है कि आप आलू ले रहे हैं या बरबटी कुछ भी ले रहे हैं सब्जी, आप बोलेंगे पुरानी देश, तो एक्स्ट्रा सब्जी आपको आधा किलो या फिर जो भी दे देते हैं। तो ये जो खूबसूरती है बस्तर की, बस्तर की बिल्कुल जी सर। तो फिर एंड कर लें? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बातचीत कैसा लगा आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपने कई यादें ताज़ा कर दी और कई चीज़ें जो मैं अपने बारे में भूल गया था वो भी आपने याद दिला दी, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और तारीफ करिए, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो बाकी आपके बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बेर दिया आपको। उनका आदत है वो मतलब कहीं भी हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो कुछ ना कुछ दे देते हैं हमको कि खाली हाथ मत जाओ, ये लेकर के जाओ। वो कुकिंग का बड़ा शौक है वो। अच्छा, वो घर पर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हमारे ऑफिस के फ्रिज में बहुत सारा बेल का जूस पड़ा होता है, वो ला के दे देते हैं, पियो बेल का जूस, पियो बेल का जूस पियो। तो अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला इंटरव्यू हम किस प्रशासनिक अधिकारी का लें। धन्यवाद।